नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिंच में। दोस्तों, सुबह सुबह से खेसारी लाल यादव का एक आइटम सॉन्ग का शूटिंग का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस गाने को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बनी हुई है। सुर्खियां इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ये इनके अपकमिंग फिल्म लिट्टी चोखा का गाना है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस तरीके से इस फिल्म में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी देखने को मिलेगी, तो वहीं कुछ दिन पहले जिस तरीके से एक भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, उसके बाद से काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव को लेकर कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद से खेसारी लाल यादव को आहत लगा था और लाइव आकर उन्होंने फेसबुक पर काफी कुछ बोल दिया था और खुद का जो कंपैरिजन है वो सुशांत सिंह राजपूत से कर लिया था। लेकिन जो भी है, अब मामला धीरे धीरे शांत पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन खेसारी लाल यादव का ये गाना इसलिए सुर्खियों में हो गया है क्योंकि इस फिल्म की अभिनेत्री बेसिकली गानों में डांस करती नजर आती हैं, लेकिन एक गाना किसी कारणवश बच गया था। और वो कारणवश नहीं था, एक्चुअली खेसारी लाल यादव का कहना है कि इस गाने की शूटिंग हो रही थी, बेसिकली दिस इज द आइटम सॉन्ग एंड ये गाना कहीं शूट हो रहा था, लेकिन वहां पर 40-50 हज़ार पब्लिक क्राउड इकट्ठा हो गई ऑन रोड पे। सोचिए कि इतनी ज्यादा पब्लिक जब इकट्ठा हो जाएगी तो ऑब्वियसली हैव टू फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द शूटिंग सच टाइप ऑफ एल्बम, तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट उन्होंने उस समय उसको अवॉइड किया गया था, उस समय उसकी शूटिंग को बंद कर दिया गया था और फाइनली उस फिल्म को खत्म होने के बाद इस आइटम सॉन्ग को शूट किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो लीड एक्ट्रेस के रूप में काम करती है अदाकारा, वो कहीं ना कहीं आइटम सॉन्ग्स में नजर आती है, उस गाने में नजर आती है। लेकिन विवादों के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि काजल राघवानी को खेसारी लाल यादव ने शाइड कर दिया है और एक दूसरी अभिनेत्री कह लें या फिर एक मॉडल कह लें या फिर एक खूबसूरत डांसर कह लें, पल्लवी जी को इस गाने में लाया गया है। और इस गाने का बजट क्या है इसकी भी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन ये गाना जो है बेसिकली आइटम सॉन्ग है, लिट्टी चोखा फिल्म का है, प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा जी हैं, डायरेक्टर की बात करें तो पराग पाटिल इसके डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो प्रवीण जी हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि जिस तरीके से इस आइटम सॉन्ग को कहीं ना कहीं शूट किया गया है तो उसमें लगभग 6-7 लाख रुपए का बजट लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि 6-7 लाख रुपए का बजट एक्सपेंसेस खर्चा करना है गाने के लिए कितना बड़ा काम होता है, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन प्रोड्यूसर्स पर, डायरेक्टर पर और पूरे मैनेजमेंट टीम पर भरोसा है कि खेसारी लाल यादव जब ऐसे काम करेंगे तो ऑब्वियसली दे कैन अर्न मनी मोर देन दैट, तो लोगों को भरोसा है, विश्वास है और शायद इसीलिए खेसारी लाल यादव पर लोग इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। बाकी ये आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।